जी, ऊपर तो आपका छत के ऊपर बहुत सारा गुलाब देखे, नीचे भी जी आपका जी बहुत सारा गुलाब है, हाँ और नीचे लगाने का कारण क्या है, ऊपर रखने का कारण क्या? देखिए, मेरा नीचे तो है जमीन, लेकिन ये तो टाउन एरिया है, बड़ा बड़ा टावर जैसे बिल्डिंग है, धूप लगता नहीं। पहले तो नीचे रखता था, चारों साइड जब बिल्डिंग बन गया तो रखना मुश्किल हो गया, सफिशियंट धूप नहीं आ रहा है। सफिशियंट धूप नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ ये साइड में थोड़ा धूप आता है, तो एक बेड बना के नीचे रखा हूँ। यहाँ कम से कम 50-60 पौधा लगा हुआ है, और ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1.5 साल हुआ है। अगले साल जुलाई में ये बेड बनाया था। और यहाँ कुछ करना नहीं पड़ रहा है, खाली माइंड स्ट्रिप से बचाने से यहाँ नीचे थोड़ा फंगस आ रहा है, जैसे कि मतलब मच्छर नीचे रह जाता है, हाँ, टाउन मच्छर एरिया है, वगैरह। ड्रेन का पानी के लिए मतलब पूरा सूखता नहीं है, इसीलिए थोड़ा फंगस लगता है इसमें। ये आपका पीछे लाल वाला क्या है? ये डॉक्टर नासिर वाड़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया फूल है। कुछ केयर नहीं कर रहा हूँ, खाली 3 माइट में बचाया तो ये फूल, खाली मैंने बोन मील दे दिया था नीचे, एकदम बढ़िया फूल आ रहा है अभी। इसका एक्चुअल कलर तो कैमरा में भी नहीं हाँ, नहीं नहीं आता कैप्चर कर पाएगा, है। एकदम रेड रेड इंट्रूजन जैसा है। नहीं, इन्फ्यूजन जैसा। रेड इंट्रूजन ओपनिंग स्टाइल अलग है, ये थोड़ा ओपन हो जाता है जल्दी। अच्छा, और इसके साइड में सिंगिंग ये साइड में ये सिंगिंग इन द रेन, अंदर ये भी जबरदस्त वैरायटी है। है। और आप पुष्पांजलि भी अभी गए थे, तो कितना सारा आईडी लाए? मैं 70-80 नया पौधा लाया हूँ, उसको दिखाऊंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, बिल्कुल स्ट्रेस में गया नहीं, और 4 इंच गमला में सब फिट करके रखा हूँ। चलिए उस तरफ जाते हैं और आपको हाँ बताइए हाँ कैसे केयर करते हैं हाँ छोटे और पौधे को। एक देख लीजिए, पुष्पांजलि के बाद बोले तो, पुष्पांजलि का जो ग्रैंडफादर है उनके नाम पे जो है, उनके कवर पेज है ना वो कैटलग का, ये राधानाथ, राधानाथ, बहुत कितना बढ़िया। प्यारा, इतना फूल खिला था छोटा पौधा में, हाँ, मुश्किल है, बहुत बहुत फूल खिला था। बहुत सुंदर कलर है हाँ, एकदम बहुत बढ़िया कलर ये, है। कलर चेंज करता रहता हाँ, है। कलर चेंज करता है, कलर हाँ, ब्लेंड। कलर ब्लेंड। हाँ, ओके ओके। कितना बहुत फूल आया था, देखिए अभी झड़ने लगा है गर्मी से, अब दिन फूल टिक रहा है? 10-15 दिन तो रह जाता है। बहुत बढ़िया है। हाँ ओके ओके। हाँ विष्णु जी, ये जो सामने सब पौधा है ये नया वाला है ना आपका? हाँ सब नया, आप तो गए थे तो हाँ वीडियो भी किए हैं। हाँ हाँ ये देखिए, पुष्पांजलि से दोनों से लाए हैं, वो प्राणवीर कागु से, अशोक कागु से, दोनों से तो हम लोग गए थे, दोनों से पौधा लाए हैं। कुछ लोग बोलते हैं बहुत छोटा पौधा देता है, मर जाता है बोलते हैं, कैसा मरता है वो तो मेरे को पता नहीं। देखिए, एक भी मरा नहीं है, नहीं मरा है। देखिए नया कली आ गया है। आप तो खुद बोले थे, सजेस्ट किए थे ये वाम लेने के लिए, देखिए हाँ, वाम, देखिए फूल आ गया है। बहुत सुंदर फूल। ये देखिए प्राइड ऑफ इंडिया, फूल आ गया है। वहां देखिए, नजदीक से दिखाता हूँ हाँ आपको, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। कुछ इंडियन वैरायटी भी लाए हैं। ये फूल इतना जल्दी आपका आ गया, हाँ, जो शुरू हो गया था आपके हाथ वो, में तो कमाल है। जो शुरू हुआ था उसमें फूल आ गया था। और देखिए इसमें वो एक भी पौधा नहीं मरा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये देखिए निकोले फूल आ गया है। इसको कितने इंची गमले में रखें? ये सब 4 इंच में अभी सिंडर में रखा हूँ। और खास देखभाल कुछ? खास देखभाल कुछ नहीं, ह्यूमिक एसिड 2 बार दिया हूँ, और कुछ अभी फीडिंग शुरू नहीं किया, और और फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड? नहीं फंगिसाइड, फंगिसाइड कुछ कुछ बिल्कुल नहीं, खाली सिंडर में ला के लगा दिया, और पानी मस्टर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, दिन में 2-3 बार पानी ऊपर ये दे रहा हूँ ऊपर से। ये सुपर फॉस्फेट माइक्रोरेजा। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, कुछ 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 नहीं दिया, अब 1 महीना के बाद उसको फीडिंग शुरू करूंगा। बस पानी का ध्यान हाँ, रखना। खाली पानी का ध्यान देना है। ओके ओके। एक भी पौधा नहीं मरा। ये देखिए इसका ग्रोथ कैसा आ गया, देखिए। लोग बोलते हैं छोटा पौधा है, ठीक है, मैं कहाँ मना किया, छोटा पौधा। ये देखिए यूरिका, ये पुष्पांजलि काकू का है, देखिए कितना कली आ गया है, देखिए भूसी हो गया था। 1, 2, 3, 4 कली आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत छोटा बढ़िया। पौधा है, ठीक है, मैं कहाँ मना किया, छोटा पौधा देता है, लेकिन ग्रोथ भी कैसा अच्छा ले रहा है, देखिए। आप इसका तरीका जान गए हैं, इसीलिए आपको बहुत आसान हो गया ये सब। कोई भी चीज नहीं जान के वो अलग किसी को मैंने दोषी ब्लेम करना ठीक ब्लेम नहीं करना है। ठीक नहीं है ना, छोटा पौधा देते हैं लेकिन पौधा का क्वालिटी रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इतना कहाँ ग्रोथ हो पाएगा। ये विष्णु जी, यहाँ पे देख रहा हूँ व्हाइट पॉलीबैग में भी कुछ कुछ पौधा है, तो ये क्या सेल के लिए है? हाँ देखिए, मैं तो छोटा नर्सरी भी चलाता हूँ यहाँ, मेरा घर के साइड में, तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं। तो ये छोटा पौधा जैसे आपको बोला कि मर जाता है पुष्पांजलि का, मेरे हाथ में तो नहीं मरता, कैसा मरता है वो लोगों का क्या है, तो थोड़ा बड़ा पौधा सब लोग चाहते हैं। तो ये मैं शेखरपुर से वो मिट्टी वाला वो पौधा ले आया, थोड़ा बड़ा बड़ा है एकदम। उसमें फूल भी लगा हुआ हाँ, 3-3 फुट हाइट है, फूल भी लगा है, मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट, ये तो पकड़ लीजिए 1 साल पुराना जैसा है, तो मेहनत कम है, एकदम बढ़िया बढ़िया फूल है। देखिए वो टोपाज है, ये ऑरेंज कलर का है, ये ब्लैक डिलाइट है, ये जूलियस इग्लेसिस है,
व्हाइट में टियारा भी है, सब सब है, टैग लगा नहीं हुआ है। तो लेकिन कोई अगर लेना चाहेगा तो आपके कितना से कितना टाइम घर में रहते हैं? घर मेरा तो ये तो घर है, मैं सुबह रहता हूँ 9:30-9 बजे तक, मैं तो ड्यूटी चला जाता हूँ, पर मिसेस बाकी टाइम संभाल लेते हैं। और शाम को? शाम को आते आते मेरा तो 9 बज जाता है, 9 से 9 मेरा ड्यूटी है। तो सुबह 9 बजे से पहले आने से पर आपको मिलता है? हाँ। ओके विश्वा जी, आप तो फेज वाइज पौधा खरीदते रहते हैं? जी जी जी। 40 दिन के ऊपर लग रहा है ये? हाँ। ये थोड़ा पहले लाया था, ये देखिए अच्छा ग्रोथ आया है। ये आपका दिसंबर या जनवरी? ये जनवरी फर्स्ट वीक में लाया था। अच्छा अच्छा, तो इसको फिर रिपोर्ट कब करेंगे? ये अभी ग्रोथ में है, ग्रोथ में है, तो इसको छोटा पौधा है, डिस्टर्ब नहीं करूंगा अभी। रिपोर्ट में? ये 4 में है अभी। तो क्या है कि अभी जितना ग्रोथ थोड़ा टेम्परेचर कम है, उतना ज्यादा बढ़ा नहीं है, तो अभी जितना ग्रोथ हो रहा है होने देता हूँ, उसके बाद जब ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, अभी थोड़ा पानी ज्यादा मांगेगा। नहीं, बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रिपोर्ट कर? नहीं नहीं, रिपोर्टिंग नहीं करूंगा उसको, उस टाइम आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। मैं सोचा हूँ अलग एक प्रोसेस, मतलब ये पार्ट में इसको जून 15-20 जिस टाइम बारिश होता है तब तक लेके कैसा जाऊंगा। ओके ओके, वो फॉर्मूला आपको थोड़ा मैं जो अपना हिसाब से रेडी किया हूँ वो बताऊंगा। जब रेडी मैंने ये गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगा, ये ग्रोथ में नहीं आएगा, तब उसको फिर भी कैसे जून 15 तक लेके जाऊंगा उसको दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, देखा आपने भीष्म जी कितना अच्छे से गुलाब ग्रो करते हैं, और हर सीजन में उनका गार्डन में कुछ ना कुछ फूल खिलता रहता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, और गुलाब के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप लिखिएगा। और मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं फर्टिलाइज़र का भी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, वो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। समर में दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, कम से कम डोज दीजिएगा, नहीं तो आपका पत्ता जल सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र आपका गर्म चीज़ रहता है। और भीष्मा जी से समर केयर के बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए गुलाब के ऊपर तो ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और ये वीडियो देखने के बाद आपके गार्डन में भी गुलाब बहुत अच्छे से खिलेगा, और बहुत सारा वैरायटी भी आप कलेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि मैं आईडी भी बता देता हूँ दोस्तों। चैनल पे जब आप जाते हैं गार्डन ज्ञान चैनल, वहाँ पे देखिएगा शॉर्ट्स सेगमेंट रहता है, वहाँ पे मैं गुलाब का बहुत सारा आईडी मेंशन किया हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।